अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ। अभी हम थोड़ा सा ब्रश व्रश करते हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना वन डे व्लॉग, अ डे इन माय लाइफ व्लॉग। तो अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कर लिया है चेंज, मैंने पहन लिया ये रिहैब के कपड़े। एक्चुअली मैं इसको रिहैब के कपड़े बोलती हूँ, एक्सरसाइज के कपड़े नहीं बोलती, एक्सरसाइज के कपड़े भी बोल सकते हैं। सो अब फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता और थोड़े से बाल वाल बना लेते हैं और स्किन केयर कर लेते हैं, फिर चलते हैं रिहैब। वो तो तू करता ही है लेट। मिलेगा अरे हम एक ही में खा लेते हैं। मैं वैसे भी इतना कम खाती हूँ। हमारा भी होने वाला है अगले हफ्ते। ओ शिट, ब्लूटूथ बुलाई। संजय भैया किससे बात करने के लिए आए हो आप? वाह वाह, आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, इससे पहले मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ। तेरे से मैंने कभी नहीं कहा। कैसे घुमा क्यों रहा है? अच्छा पिक्चर है। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? संजय भैया ने कहा मैं मेरी बात करते हुए नजर लगा दी, अब तुम पर जाता हूँ साथ में। कहीं वैशाली ऊपर जाके बोल ले कि ये नीचे बात कर रहे थे संजय भैया। अच्छा वो नीचे थे, आज मैं अपना कैमरामैन लेके आई हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई तो व्लॉग बनाएगा नहीं, सब कहेंगे तुमने थोड़ी ना मैं पे किया है, मैं सिर्फ ने पे करा है। नमस्ते, राम राम, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। अंदर पहले सर को अपनी मासूम शक्ल दिखा कर आए। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी ना नेक्स्ट वीक से, शायद ना आऊं तो मैंने कहा इस वीक तो मैं व्लॉग करके जाऊंगी। एक एक फोटो देके जाना यूट्यूबर हो भैया। फिर ऐसा भी नहीं है, सर चंदन सर नहीं आया अभी, चलो बस वॉक कर लो। ये है मेरा रिहैब, ये अंदर न्यूरो है, यहाँ पे ना एक्सरसाइज होती है और यहाँ पे वीआरटी है, मतलब वीडियो तरीके से एक होता है जो ये एक बोबो बना हुआ है। यहाँ पे साइकिल्स हैं और यहाँ पे वॉकिंग के लिए स्पेस है और ये एडवांस वॉकर है। ये हमारा ये जो है मैट रूम है और वहाँ पर सारे ऑफिसेज हैं। पर आज मैं जल्दी आई हूँ सबसे।
हाँ सारे पेशेंट मुझसे पूछो, वो जो नौ नौ पेशेंट करते रहते हैं उनमें से कितने आते हैं ना मैं बताऊंगी। सर बस कह देते हैं नौ पेशेंट है, ये मैं अपने व्लॉग में भी डाल दूंगी। फिर सर कहेंगे कि अच्छा हाँ मेरी ही बुराई कर रहे हैं। चंदन तो जैसे मैंने जैसे फोन बंद किया मेरे को सेटिंग बदलने के लिए, वैसे चंदन सर आ गए। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, कहेंगे मेरी बुराई डाल दी पर मेरी अच्छी गुड मॉर्निंग नहीं डाल दी। वॉक और मैं बनाती हूँ वॉक की वीडियो। हालत होती है मेहनत करके। अब हम करेंगे स्टैंडिंग इस फ्रेम में। आज वीडियो नहीं बन गई, आज बन रहा व्लॉग। अक्सर ऐसा होता है कि आपको बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको बार बार चला चला के बुलाना पड़ता है। और ऐसा ना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा कि जब आप अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हो तो लोग आपको शायद थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आपके नेचर की वजह से समझा रहा आई थिंक, क्योंकि आप थोड़े मजाक तो फन लविंग टाइप हो तो लोग आपको लवलीटली ले लेते हैं कि चलो कोई नहीं। ऐसे होता है अभी भी, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, कैप्चर करना हर एक इंसिडेंट को या हर एक इंसिडेंट को बताना आसान नहीं है, बट कभी कभार ये इंसिडेंट कैप्चर हो जाता है। जैसे कि इंसिडेंट अभी कैप्चर हो गया, लाइक एक इंसान खड़ा हुआ है या उसको बांध रहे हैं उसी बीच में एकदम से कोई ज़बरदस्ती ले जाएगा कि नहीं आप इधर आ जाओ इधर आ जाओ, और उनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। दैट हैपेंस when you are sweet, you are kind, you are not problematic, then people try to like push you down or put you down कि ठीक है भाई इसके साथ तो अगर हम थोड़ी सी नाइंसाफी करेंगे तो चलेगा, and it happens. So yeah, अभी मैं कर रही हूँ स्टैंडिंग। मैंने ऐसे ही एक अपनी इंस्टाग्राम पर रील डाली थी, और इंस्टाग्राम पे नहीं सॉरी यूट्यूब पर मैंने एक ऐसा शॉर्ट डाला था और मैंने सेम कपड़े पहने हुए थे। आज मैंने सेम वही कपड़ों में एक्चुअली मैं आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं वही डे शूट कर रही हूँ, पर नहीं वो डे शूट था। मैंने एक लाइनर लगाया था जो बड़ा बेकार था, मेरी पूरी आँखों पर फैल गया था, वो भी मैं बताऊँगी कौन सा था। सो या अभी हम स्टैंडिंग कर रहे हैं, अभी मेरी स्टैंडिंग होगी 30 to 40 मिनट। सब तक मैं क्या करती हूँ, कभी ये जो थोड़ा सा ना सपोर्ट ज़्यादा मिलता है इससे, आपको थोड़ा सपोर्ट कम लेना होता है तो सपोर्ट कम लेने की कोशिश करनी है और वन बाय वन एक एक पेज पे वेट डालना है राइट एंड लेफ्ट करके। एंड और मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग यहीं खड़े खड़े कर ली थी क्योंकि घर में भी कभी हुआ 35-40 मिनट्स अपने आराम से नहीं मिलते, क्योंकि देखो यहाँ पे आपसे कोई बात नहीं करेगा। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, अभी तो दिख नहीं रहे, यहाँ पे सारे लोग भरे हुए हैं आगे भी और पीछे भी,
बट आपसे कोई बात नहीं करेगा, बहुत नमस्ते राम राम टाइप होगी। तब तक आपके पास बहुत टाइम होता है, आप काम कर सकते हो, बस हाँ आप ऑडियो वाला काम नहीं कर सकते, बट हाँ आप स्क्रॉल कर लो, एडिटिंग कर लो, पैरों पे वेट डालते रहो, सहारा या सपोर्ट कम लेने की कोशिश करो। सो दैट्स हाउ इट इज। सर ने तो सबसे पहले करवा लिया, सिद्धू सर कहते हैं मेरा सबसे पहले होना चाहिए। सचिन सर ने कहा कि मैं तो हाथ खड़ा कर रहा है, सचिन सर ने कहा सबसे पहले मैंने वैशाली को ट्रीट किया था इसलिए मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। सर आपने मेरे को हाई नहीं करी इतने पास आके, मैं क्या करूं, इतना छोटा सा तो कैमरा है सर। सर इतनी दूर से नहीं आओगे आप? मैं बोलूंगी नहीं, सचिन सर के साथ सबसे पहले डले क्योंकि सर की सबसे पहली पेशेंट मैं ही थी। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, यही अवतार होना चाहिए, इतना एकदम वो लग रहा है सड़क छाप। ये है दिल्ली का लौंडा। नहीं मुझे वो टाइट पॉइंट टाइट पैंट वाला लौंडा चाहिए। ये ली पैंट पहना दे बस तुम्हें। अब ये रणवीर सिंह लग रहा है। ये ले, ये वाली उर्फी वाली, ये री उर्फी वाली। ये ले, स्टैंडिंग हो गई है, डन। थक गई, बहुत थक गए, अब चलते हैं बेड सेशन के लिए। हमने कर दी तारीफ। हां कोई कर दी थी, मैंने इसकी तारीफ करी अपने थेरेपिस्ट की कि मैंने बताया मेरे थेरेपिस्ट इतने अच्छे हैं, इतना टाइम देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेरे पे आसपास दिखते हैं मेरे थेरेपी के हमेशा। सर मेरा प्रोटोकॉल हर हफ्ते बदलते हैं, 3 महीने में एक बार बदलते हैं। सपोज करेंगे सर रोज ध्यान रखते हैं मेरा। सर मेरा लास्ट वीडियो में नहीं आना चाहिए। ये सेम है, ये लोग चेंज करेंगे और बढ़िया सा कुछ कर रहे होंगे। मुंह छुपा हुआ मैं ऐसे लूंगी और पता नहीं लगना चाहिए कि तू मेरी वीडियो में था क्योंकि तू मेरा कैमरामैन है। कैमरामैन कैमरा के आगे नहीं आते, कैमरामैन स्टेज बिहाइंड द कैमरा। तो बटन बंद करना स्टार्ट कर दो, घर पे शर्ट ले लो, बटन बंद करते रह करो, खोलते रह करो, बोतल ले लो, ढक्कन बंद करो, खोलो, सिलाई मशीन ले लो। अरे सही कह रहे, सुविधा कम, खाली सिलाई सुविधा कम नहीं कर पाएंगे, खाली सिलाई मशीन में चला सकते हो आप, चादर पे आप बैठे हो हाथ को ऐसे स्लाइड करके वापस लाना। इसको कट कर दिया बाद में। बीटीएस में डालो। सर के पैर में बंदा नहीं लगता। आज है गजब की भीड़, बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहा है, इतनी देर से वेट कर रहे हैं और आज इतनी ज्यादा भीड़ है ऐसा लग रहा है उसे कुछ नहीं मिलने वाला, सब बिजी है, सब बिजी। जो कर रहे हैं बोलो। हाँ हाँ जी,
निकालना। आ रहा हूँ मैं। आ रही है, पता नहीं आज मैं साइकिल पहले कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है तो साइकिल करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं साइकिल हमेशा लंच के बाद एंड में सबसे करती हूँ क्योंकि मुझे साइकिल सबसे ज़्यादा टायरिंग थिंग लगती है। इसके बाद मैं बिल्कुल बिल्कुल थक जाती हूँ, उसके बाद मेरे अंदर कोई एनर्जी कोई क्षमता नहीं बचती कुछ करने की। तो आज मैं साइकिल पहले कर रही हूँ और अभी मेरी 2-3 एक्टिविटीज़ अभी भी रहती हैं और एक एक्टिविटी में तो मतलब बहुत एक एक्टिविटी में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। साढ़े 4 मिनट बाद ही एडिट कर दियो। बिग ब्लॉग्स तो हुई है, मैं इसको करा था वहाँ राइट सुसाइड वाले मोस्ट सुसाइड मतलब उसे लगा रहा चोरी ना दबाते सुसाइड में मैं ऐसे खुद करूँ। अरे सेवन स्टार होकर आ गया बोलो। वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे यार मोबाइल ब्लॉगर तो मैं बन गया हूँ असली। ये हमारा वो है ब्लॉगर, ये हमारा कैमरा ब्लॉगर कैमरा मैन समझाता पार्ट के साथ ऐसे बोलते हैं। थ्रेट भी आते हैं, थ्रेट भी आते हैं पर एक लैंग्वेज हाँ न्यूज़ अलग से भी कवर करनी पड़ती है जा जाके। ये वाला पार्ट भी कट कर देना। कट थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद हाथ खाली हो जाता है, बाल वाल सब पसीनों से भर गए हैं, मुँह ऐसे पसीना पसीना वाला हो रहा है और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और आज इतना शोर था, इतना शोर था, मुझे पता होता कि आज इतना शोर है तो मैं शायद थोड़ा सा व्लॉग नहीं करती। हम जा रहे हैं लंच करने नीचे क्योंकि नीचे लंच वाला सिस्टम है और पेशेंट्स रहते भी हैं, तो हम नीचे लंच करने जा रहे हैं। उसके बाद हम वापस ऊपर आएंगे क्योंकि हमारी एक दो एक्टिविटीज़ अभी बच गई है और अब नहीं तो लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो सारा करके भी आप जा सकते हो, पर अगर लंच टाइमिंग नीचे से लंच खाना है तो आपको टाइम पे ही जाना पड़ेगा और अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, 2:30 बजने वाले हैं। ये है हमारा किचन एरिया, ये है हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे ये है पेशेंट्स के रूम बने हुए। और ये वाला जो रूम है ये मेरा रूम हुआ करता था, मतलब मैं जब से
सबसे पहले आई थी तो ये इस रूम में आई थी, पर अभी ये दो रूम्स मिला के बना दिए। इसका दरवाजा यहाँ हुआ करता था, मैंने ऑन करा, अभी ऐसे से कर रहे थे। इस वाले में लगा तो सस्पेंशन हो गया है। अब हम आए बोबो करने। बोबो की मैंने एक शॉट भी डाला था, तो अभी हम बोबो करेंगे, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर। और अंकल नहीं आ रहे हैं इसलिए हम बुक करेंगे ऑटो, या फिर हम नीचे से ऑटो ढूंढने जाएंगे। अब देखो कितना खाली हो गया सारा, पहले कितना भरा हुआ था और अब कितनी शांति है। मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और ये मेरा कित कैसे हो रखे कपड़े, कपड़ों के हाल बुरे हो जाता है इस समय, और बालों के हाल देख लो पता लगता है कि कितना पसीना बहा रहे हो। ये हल्का सा टिंट लगा लो बस, उसके बाद तो फिर भी शक्ल देखो कैसे बुझी बुझी सी लग रही है इतनी मेहनत करने के बाद। लाइफ में जो कहावत है ना, नथिंग कम्स ईजी, तो वही वाली बात है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। इतने मासूम कमज़ोर हाथ में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यार अभी हम बोबो करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा रह जाएगा उस तब तक, वो हम जब तक ऑटो बुक करेंगे तब तक वो भी हो जाएगा, तो बस वो 5 मिनट का ही है। उसके बाद बोबो बस हो जाए, 10-15 मिनट लगेंगे इसमें। उसके बाद हम जाएंगे घर और करेंगे आराम। और मेरा कैमरा मैन का मैं फेस काट रही हूँ, कैमरा मैन भी थक गया है। कैमरा मैन हमारा फेस आ गया, कैमरा मैन का कैमरा मैन का फेस। लेट्स गो होम, हो गई है थेरेपी डन। ये मेरे ब्रेसेस हैं, काफ़ी टाइम से यहीं पड़े हुए थे, तो अब साथ में जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ घर। मेरे एक और हेड थे वो तो मिले ही नहीं, उन्होंने ही मुझे बड़ी सारी वीडियो की टिप्स दी थी, पर आज वो काफ़ी बिजी थे और उनका मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ओ भाई ठोक दी है मेरी गाड़ी। हम जा रहे हैं घर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बड़ी मेहनत से मैंने शूट करा है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों में ऊपर जाके शूट करना, मेरे लिए तो स्पेशली काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर ना इतनी बेकार लाइट्स है ना, तो मतलब बिल्कुल ही सब काला काला सा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ऐसे और भी व्लॉग्स देख रहे हो रिहेबिलेशन के और समथिंग, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैंने बड़ी सोच के बहुत ज़्यादा हेसिटेट करके बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मेरी जर्नी इंस्पिरेशनल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट टफ तो बहुत है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, फ़ोन भी बज रहा था साथ, सो ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।